और एंटी हिंदू माइंडसेट खड़ा किया जाता है। यह है ममता दीदी की राजनीति पश्चिम बंगाल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनकी पूरी पार्टी पिछले कई सालों से इसी तरह से पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को मुसलमानों का हमदर्द बताकर जिस हिंदू वोट को बटोरने में लगी रही, उसी वोट बैंक पर दीदी ने चील की तरह झपट्टा मार दिया है। अमरा काला तृणमूल, लड़चे काला तृणमूल, पेचोने काला तृणमूल, मायते काला तृणमूल। दरअसल बंगाल में हर हाल में सत्ता के लिए छटपटा रही बीजेपी राजनीति के उन छोटी छोटी घटनाओं को देखकर भी अनजान बनी रही, क्योंकि उसकी नजरें सत्ता पर चिपकी रही। उसे तनिक भी गुमान नहीं था कि छोटी घटनाएं आने वाले चुनाव के लिए बुनियाद रखी जा रही है। दरअसल बीजेपी जब पूरी ताकत के साथ टीएमसी के हिंदी भाषी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने का अभियान छेड़कर ममता को मुस्लिम परस्त साबित करने पर तुली रही, तब ममता की पार्टी हर जिले में छोटी छोटी ब्राह्मण सभाएं करती रही। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब कांग्रेस के नए सेनापति अधीर रंजन चौधरी ने बंगालीवाद और ब्राह्मणवाद का कार्ड फेंका, तब उनके घोर विरोधी सीएम ने तुरुप का पत्ता ही चल दिया। फिर भी बीजेपी पुराना टेप ही बजा रही है। करोड़ों करोड़ों भारतवासियों की इच्छा थी कि भव्य राम मंदिर बने, वो 5 अगस्त को उसका शिलान्यास यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि 5 तारीख को वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने लॉकडाउन लगा दिया। इस तरह से यूपी में ब्राह्मणों को रिझाने का खेल चल रहा है कि सत्ता में आने के बाद सब कुछ परशुराम का होगा, उनके नाम पर स्कूल से लेकर अस्पताल तक होंगे, ब्राह्मणों की बिटिया की शादी में समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव पैसे देंगे। लेकिन यूपी की इस पॉलिटिक्स में अभी तक केवल होगा होगा वाला ही भाव दिख रहा है। लेकिन टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने दरिद्र ब्राह्मणों के लिए बड़ा ऐलान कर पहली बाजी तो मार ही ली है। ममता ने ऐलान किया है कि दरिद्र ब्राह्मणों को हर महीने सरकार 1,000 रुपये देगी, रहने को फ्री में मकान देगी। सरकार के पास ऐसे ब्राह्मणों का डाटा अभी केवल 8,000 है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा। আমরা মাসে 1,000 টাকা করে তাদের সাহায্য করব এবং যাদের ঘরবাড়ি নেই তাদের আমরা বাংলা আবাস যোজনায় একটা করে ঘর তৈরি করব। लेकिन बीजेपी ममता के इस चाल पर चोट करने के बजाय अब भी घिसे पीटे नारे पर ही चल रही है। करने का काम किया, और ये अलग बात है कि 31 जुलाई को बकरीद ने लॉकडाउन लिफ्ट कर दिया। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स, ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, ये इस प्रकार की पॉलिटिक्स जिसमें तुष्टीकरण किया जाता हो, वोट बैंक की राजनीति की जाती हो और एंटी हिंदू माइंडसेट खड़ा किया जाता है, ये है ममता दीदी की राजनीति पश्चिम बंगाल। कांग्रेस के अधीर रंजन बंगालीवाद और ब्राह्मणवाद का रट लगाते रह गए, बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों में मशगूल है, उधर टीएमसी ब्राह्मणों को पटाने के साथ साथ बंगालियों को सेट करने की तैयारी में है। सरकार ने ऐलान किया है कि दुर्गा पूजा में इस बार बंगालियों को सबसे बेहतरीन मछली इलिश माछ यानी हिलसा मछली के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। सरकार जरूरत पड़ने पर पड़ोसी देश बांग्लादेश से ये मछली मंगवाएगी। कहीं दीदी का ये टाका और माछ का ये खेल कहीं विपक्ष पर भारी न पड़ जाए। और आने वाले विधानसभा में तृणमूल सरकार को उखाड़ के फेंक देना है, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, कोलकाता।